हल्के प्रेशर से आई यूज स्कॉच ब्राइट होता है, वो मेरे ब्रेक्स में जा रहा था एंड ब्रेक्स को भी अफेक्ट कर रहा था। सुजुकी बैंडेड बनाया है, बैंडेड है पटना में। What's up guys and welcome to my channel. So आज हार्ले का कुछ पार्ट चेंज हो रहा है एंड आई विल शो इट यू। तो फर्स्ट जो है वो हम लोग के फ्रंट फोक सील्स। सो दीज आर परफॉर्मेंस फोक सील्स बाय ऑल बॉल्स रेसिंग, नाइस नेम आई नो। एंड जो बाकी है, सो दीज आर कार्बन सिरेमिक, दिस इज अ रेयर ब्रेक पैड्स एंड ये पैकेजिंग दूसरे हैं, बट दीज आर द सेमी सेंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं ये आगे के लिए। सो अभी बाहर में काम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ एंड फिर हम लोग चलते हैं राइड पे एंड आई टेल यू कैसा मेरा एक्सपीरियंस आ रहा है, क्योंकि ब्रेक इन करने में इसको अबाउट 50-60 किलोमीटर्स बहुत आराम से चलाना होगा। देखते हैं अब क्या चल रहा है बाहर में। सो हाँ, एक और न्यूज़ है, एक्सपल्स मैंने बेच दी है और यहाँ पे श्रेश भैया की रानी सा लगी हुई है। सो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, इसको चलाने की कोशिश की थी मैंने एंड उसका मैं लिंक डाल दूँगा अभी। हाँ तो ब्रेक्स के लिए मैं दिखाता हूँ, जो राइट वाला फोक सील है ये फट गया था, तो जिसके वजह से जो फोक फ्लूइड होता है वो मेरे ब्रेक्स में जा रहा था एंड ब्रेक्स को भी अफेक्ट कर रहा था। एंड ब्रेक पैड्स में आपको जब निकलेगा तब दिखा दूंगा कि पूरे ही ख़त्म है। सो आई ऑल्सो भी शोइंग यू द प्रोसीजर कि कैसे क्या करना होता है ब्रेक फ्लूइड जब आप अपने ब्रेक पैड चेंज कर रहे होते हो। अब ये सिर्फ हाले का काम करते हो कि सब करते हो? सभी गाड़ी का, सभी गाड़ी का, सुपरवाइजर सभी का। तो मैं आपका नंबर डाल दूं, पटना में किसी को जरूरत पड़े तो। ठीक है भैया। ट्रैंक वगैरह सब बनाया है। अच्छा, बेंटली 600 बनाया है, सुजुकी बैंडेड बनाया है। बैंडेड है पटना में? इसी का गली में है, उस साइड इसी का गली में जहां थे ना, हां इसी के आगे इस गली में। हां जैसे आप मुड़े ना पार्क के तरफ, यहां पे बैंडेड है। भैया इसके लिए वो मिलेगा कि नहीं? क्या? जो पैडॉक स्टैंड आता है मिल जाएगा, पीछे का मिल जाएगा, लेकिन वो फ्लैट बार वाला आएगा ना, वो स्पूल वाला तो मिलेगा नहीं। हाँ यूनिवर्सल आएगा, सभी मिल जाएगा। अरे तो न्यूज़पेपर ला दीजिए। तो सस अभी स्टार्टिंग में शॉकर निकाल दीजिए ना, टायर निकल गए हैं तो पहले हम लोग भी सस्पेंशन का काम करेंगे ना। हाँ वही दोनों ही चेंज करूँगा ना, तो इसमें अभी थोड़ा बहुत था लाइक, लेकिन ये वाला जो है इसमें पूरा का पूरा ऑयल गिर के, फोक ऑयल्स गिर गए थे एंड ये काम ही नहीं कर रहा था। सो दिस इज़ द ओल्ड वन, दीज आर द न्यू वंस। मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाता हूँ। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि फोक सील्स की वजह से इसका कोई ग्रिप ही नहीं आ रहा था। तो भैया वो फोक सील वाला ठीक हो जाएगा, ग्रिप तो बेटर आना चाहिए ना उसके बाद। रेयर वाले, हाँ वो रेयर वाले। अब ये इसका जो रेयर वाला ब्रेक भी है ना, इसको भी एक बार पूरा ब्लीड करके कर लीजिएगा। अच्छा। क्योंकि इसका यहाँ के बाद ग्रिप पकड़ना शुरू करता है, सो ब्रेक फील ही नहीं हो रहा था, कोई फीडबैक नहीं आ रहा था मुझको ब्रेक से। ठीक है, तो ब्रेक ऑयल पूरा निकाल करके चेंज कर दो। हाँ पूरा चेंज, पूरा ब्लीड कर लेंगे, टप अप नहीं करना। हाँ तो मेरे पास ब्रेक क्लीनर नहीं है, तो मैं पहले इसको मैं एक सिंपल शैम्पू से साफ कर दूंगा पूरे के पूरे ब्रेक डिस्क को। भैया जो हार्ले के ब्रेक डिस्क पे रस्टिंग आता है, ये जो रस्ट होता है ना, ये सारे हार्ले में प्रॉब्लम है या फिर ये जो आता है रस्टिंग हो रहा है ना? नहीं नहीं, सब भी में आता है। सब में? हाँ। ऐसा कोई तरीका नहीं है ठीक करने का? नहीं, हल्का उजंग पकड़ता है। अच्छा, मैं साफ कर लेता हूँ इसको पहले।
तो वंस आई एम डन विद द ब्रश हल्के प्रेशर से आई विल यूज द स्कॉच ब्राइट एंड क्लीन ऑल द साइड्स. मैं वही बाप रे बाप GTR 600 मतलब वेलकम बैक टू द व्लॉग्स. अच्छा हाँ पहली बार देख रहे हो नया फोन ये कब लिए? हाँ सच में कैमरा क्वालिटी इंक्रीज हो गया सब कुछ हो गया सारे ब्लेड साफ हो गए इसके अंदर जो पिस्टन है वो भी ल्यूब हो गए एंड सहीश ने मुझको एक पूरा मैसेज भेजा था अगेन थैंक्स टू ऑक्टेन पासपोर्ट्स कि क्या कैसे करना है प्रोसीजर सो वो भी पूरा हो गया एंड अब बस जो फोक सील लगने थे वो बाकी है एंड फिर चलते हैं राइड पर देखते हैं. ऑल राइट सो कल रात को इसको मैं लेकर गया था एंड राइड पे तो आई डिड हल्का पुल्का ब्रेक इन किया हूँ सो आई रोड लाइक 60 किलोमीटर्स. तो अभी ब्रेक लाइक आई स्टिल कांट डू हार्ड ब्रेकिंग एंड ऑल बट हाँ ब्रेक का जो रिस्पॉन्स है रीड होने के बाद ओ सॉरी आवाज़ बाय बेनी. और ये लोग मेरे घर के आगे गड्ढा खोदते हैं. सो या आई स्टिल कांट हार्ट ब्रेक बट थोड़ा प्रोग्रेसिव स्टाइल ब्रेकिंग करना पड़ता है और आई कांट राइड फास्ट बट ब्लीड होने के बाद पीछे वाला ब्रेक जिससे मुझको बहुत प्रॉब्लम आता था वो बेटर हुआ है सो वो ठीक है. एंड अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस एंड बाइक को मैंने वार्म अप कर लिया था निकलने से पहले तो दैट्स ऑल्सो ओके. सो व्लॉग से बहुत सारा डिले आ रहा था तो क्योंकि मेरा ऑफिस था एंड उससे पहले मैं क्या हुआ था रिपफ के बहन के शादी में तो इट्स ऑल ओवर नाउ मैं आराम से व्लॉग कर सकता हूँ. हाँ सो लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ आई कांट डू हार्ट ब्रेकिंग राइट नाउ एंड इसका जो ब्रेक ऑयल है मैं उसको भी चेंज करूँगा. सो कल वी डिड ब्लीड इट एंड टॉप इट ऑफ बट आई बी एडिंग वुड्स और कोई और मैं ब्रेक ऑयल आई स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट एंड फिगर आउट समथिंग. ब्रेक मैं घर पे ही ब्लीड कर लूँगा. ऑल्सो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एक सरप्राइज भी आने वाला है जल्दी. और ऐसा हम लोग घर आ गए एंड देखो ब्रेक से बारे में अभी नहीं बता सकता हूँ बट यस इट इज़ मैंने 80 किलोमीटर्स चला लिया जब से नए ब्रेक इंस्टॉल किए एंड ब्रेक इन करने के लिए आई बीन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. एक होता है 60 to 5 एंड थिंग्स लाइक दैट. सो अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बना सकता हूँ कि हाउ टू ब्रेक इन योर न्यू ब्रेक पैड्स. एंड पीछे वाला जो मेरा ब्रेक है दैट्स कार्बन सिरामिक एंड आगे वाले आर सेमी सेंटर्ड. उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं. सो सेमी सेंटर्ड आरंट एज अग्रेसिव एज द सेंटर्ड ब्रेक्स. सो सेंटर्ड ब्रेक्स हम लोग यूज़ करते हैं फॉर दैट्स लाइक अग्रेसिव रोड यूज और इवन रेस यूज के लिए आप यूज उसको कर सकते हो. एंड कार्बन सिरामिक हैव अ रियली लॉन्ग लाइफ कंपेयर टू सेमी सेंटर्ड एंड ऑल एंड उसका जो हीट डिसिपेशन रहता है दैट्स ऑल्सो रियली गुड. सो अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए मेरे को बता देना इन द कमेंट्स एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो. सो डू सब्सक्राइब एंड अगर कोई आप जानते हो किसी को जो ब्रेम्बो लगवाने वाला है ब्रेक पैड शेयर कर दो उसको एंड सब्सक्राइब लाइक कर देना प्लीज.